Assalamu alaikum viewers, welcome to Academia Coaches. Today I will discuss about the classification of viruses on basis of mode of transmission. Mode of transmission means how the viruses are transmitted and cause diseases or infection, because viruses transmit by different ways. सो इन मैं दिस टॉपिक में आपको बताऊंगी कि वायरसेस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या होता है, कैसे जो होता है वायरसेस ट्रांसमिट होते हैं और इन्फेक्शन और डिजीजेस कॉज करते हैं. फर्स्टली ऑल, वायरसेस दैट ट्रांसमिटेड थ्रू रिस्पायरेटरी रूट. इसमें हम उन वायरसेस को डिस्कस करेंगे जो रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, फॉर एग्जांपल बाय नोज, थ्रॉट और नॉस्ट्रल्स वगैरह. इसके जरिए जो रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू कॉज होते हैं वायरसेस, उनकी एग्जांपल में हम इंक्लूड करते हैं स्वाइन वायरसेस दैट कॉजेस स्वाइन फ्लू एंड राइनो वायरसेस. एंड नाउ अ डेज द कोरोना वायरसेस ऑल्सो इंक्लूड इन दोज वायरसेस दैट ट्रांसमिट थ्रू रेस्पिरेटरी रूट. प्रेजेंटली कोरोना वायरसेस जो होते हैं वो भी ट्रांसमिट होते हैं बाय द रेस्पिरेटरी रूट. एंड द सेकेंड कैटेगरी ऑफ वायरसेस ट्रांसमिटेड थ्रू फेसियो ओरल रूट. फीसियो ओरल रूट जो होता है वो रूट होता है जिसमें पैथोजन जो होता है या डिजीजेस वो ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम फीसेस टू माउथ. वन पर्सन फीसेस टू फ्रॉम फीसेस टू टू द माउथ और सेकंड पर्सन, जब वो ट्रांसमिट होते हैं पैथोजन इन दिस वे, उसको हम कहते हैं फेसियो ओरल रूट्स. ये इस वजह से होते हैं जब कोई हाइजीन होता है या पोल्यूटेड होती है या एनवायरमेंट साफ नहीं होती या हम हैंड्स वॉश नहीं करते, इस केस में जो वायरसेस ट्रांसमिट होते हैं थ्रू फेसियो ओरल रूट्स. फेसियो ओरल रूट्स में हम इंक्लूड करते हैं हेपेटाइटिस ए वायरसेस. ये ट्रांसमिट होते हैं थ्रू फेसियो ओरल रूट्स. एंड सेकेंड वी इंक्लूड पोलियो वायरसेस एंड रोटावायरसेस. हेपेटाइटिस वायरसेस आर दोज वायरसेस दैट कॉल्ड हेपेटाइटिस ए. पोलियो वायरसेस पोलियो कॉज करते हैं, रोटा वायरस जो होते हैं ये वो वायरसेस जो डायरिया कॉज करते हैं. दीज आर डायरिया कॉजिंग वायरसेस, उनको हम कहते हैं रोटा वायरसेस. सो द नेक्स्ट कैटेगरी आर वायरसेस ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट. वायरसेस ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, वो वायरसेस जो सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होते हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं इन कैटेगरी दैट वायरसेस ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट. एंड एग्जाम्पल ऑफ दीज वायरसेस आर रिट्रोवायरसेस. रिट्रोवायरसेस आर ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरसेस एंड दैट कॉजेस ट्यूमर और कैंसर. ये वो वायरसेस हैं जो कैंसर कॉज करते हैं विद इन द ह्यूमंस एंड एनिमल्स, इसीलिए हम उनको कहते हैं रिट्रोवायरसेस दैट आर कैंसर कॉजिंग वायरसेस एंड दे ट्रांसमिट थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट. द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ वायरसेस ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन. वायरसेस ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन. सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है वो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ऐड करते हैं ब्लड को किसी के बॉडी में जब उनको इलनेस हो या ब्लड जो हो वो कम हो. सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए कुछ वायरसेस जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं एंड दीज वायरसेस इंक्लूड हेपेटाइटिस बी वायरसेस एंड HIV वायरसेस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस. ये जो वायरसेस होते हैं उनको वो ट्रांसमिट होते हैं थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन. जब आप अपना ब्लड किसी को डोनेट कर रहे होते हो या आपको किसी और का ब्लड लग रहा होता है तो इन चीज़ों का देखना बहुत जरूरी है कि आया उसे कोई डिजीज तो नहीं है, हेपेटाइटिस बी या HIV वायरसेस वगैरह. देन आप किसी का ब्लड किसी और को लगाते हो या डोनेट कराते हो या ब्लड ट्रांसफ्यूज कराते हो. सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए हेपेटाइटिस बी वायरसेस और HIV वायरसेस जो होते हैं वो स्प्रेड होते हैं. इन नेक्स्ट कैटेगरी
देर आर जोनोटिक वायरसेस। जोनोटिक वायरसेस वो वायरसेस होते हैं जो कि ट्रांसमिट होते हैं थ्रू बाइटिंग ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, थ्रू बाइटिंग ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। इन्फेक्टेड एनिमल्स की बाइटिंग से जो डिजीजेस कॉज होती हैं, आगे जो वायरसेस ट्रांसमिट होते हैं, उनको हम कहते हैं जोनोटिक वायरसेस। एंड एग्जाम्पल ऑफ जोनोटिक वायरसेस इंक्लूड रेबीज वायरसेस, अल्फा वायरसेस एंड फ्लैवी वायरसेस। सो दीज आर वायरसेस दैट आर ट्रांसमिटेड बाय द बाइटिंग ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। Okay viewers, my today topic was about the viruses and mode of transmission of viruses. Ke viruses hote hain, wo transmit kaise hote hain. Thank you so much viewers and Allah Hafiz. Do not forget to subscribe my channel for latest and more relevant videos. Thank you.